बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो फ्रैक्शन ऑफ वर्ब के बारे में होगा, और इसमें हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज सेंटेंसेस इन एग्जाम। के एग्जाम में जो बहुत ज्यादा बार बार आने वाले सेंटेंसेज है वो वर्ब के लिहाज से, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो सेंटेंसेज है वो बार बार पेपर में आते हैं और थोड़ी सी कंफ्यूजन का बायस भी बनते हैं बच्चों के लिए, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों क्लासेस के लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी फर्स्ट है जी, सेंटेंसेस में इनडेफिनेट प्रोनाउंस अमूमन वर्ड यूज होता है। ईच है, एवरी है, नीदर है, इधर है, नन, एनीवन, समवन, मेनी, ऑफ या एनीबॉडी, समबडी, इनमें से कोई भी आपका जो सेंटेंस में वर्ड आता है तो ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर ये कैरी और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही इस्तेमाल होगा। जैसे हम अगर एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, नन ऑफ दीज बॉयज, नन ऑफ दीज बॉयज के इनमें से कोई भी लड़का नहीं है इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज बॉयज मीन्स इसमें से कोई एक भी बच्चा मेरा दोस्त नहीं है, तो यहाँ वो सिंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और हेल्पिंग वर्ब भी हम सिंगलर के लिए यूज करेंगे। ईच ऑफ अस, हम में से हर एक इज रेडी टू हेल्प द पुअर, हम में से हर एक गरीबों की मदद करने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर ईच जो है ये भी सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल किया है। अच्छा, कुछ नाउंस है जो हमें देखने में सिंगुलर लगते हैं या कहा, तो वहां पर हम हमेशा जो वर्ब है वो प्लूरल यूज करते हैं, जैसे कैटो है, पीपल है, पोल्ट्री है, वर्मन है, जेंट्री है, एक्सेट्रा या कुछ और भी है, तो इनके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है ये प्लूरल ही यूज होता है, ना कि सिंगुलर इस्तेमाल होता है। तो ये ध्यान में रखना है जब भी सेंटेंस को सॉल्व करें, जैसे पीपल आर गेटिंग गैदरिंग इन द हॉल, तो पीपल इज नहीं आएगा, पीपल आर आएगा, क्योंकि ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लूरल वर्ब नाउन है, तो पीपल आर गैदरिंग इन द हॉल के हॉल के अंदर लोग जमा हो रहे हैं। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो कैटल्स नहीं होता, कैटल होता है उसके साथ एस नहीं आता, तो जो मवेशी हैं वो खेतों में चल रहे हैं। तो इसी तरह वर्ड जैसे वर्मन है, अशरात को आते हैं वर्मन, वर्मिल जो कहते हैं, क्रीप, क्रीप्स नहीं आएगा, क्रीप ऑन द अर्थ जमीन पर वो रेंगते हैं, इस लिहाज से वहां पे भी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नहीं यूज होगा। कुछ जैसे फ्रेज है, एज वेल एज है, अलोंग विद है, विद है, besides, instead of, accompanied by, और कुछ और भी है इनके साथ, ये phrase इनमें से जब भी ये sentence में इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर अमूमन हम दो subject use कर रहे होते हैं, तुम्हारा जो helping verb होता है बेटा वो first subject के मुताबिक नहीं बल्कि second subject के मुताबिक इस्तेमाल होगा। example की तरफ आते हैं, जैसे she as well as, her son is brave, तो यहाँ पर as well as के साथ हमने she एक हमारे पास pronoun है, her sons ये भी pronoun है, तो दो pronouns को हमने as well as के साथ मिलाया है, तो she as well as her sons अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसी जगह आ रहा है, लेकिन as well as हमें बताएगा कि हमने helping verb first subject के मुताबिक use करना है। जैसे अगर हम इसको ना भी पढ़ें, तो she is brave as well as her sons, कि वो बहादुर है जैसा कि उसके बेटे भी बहादुर हैं, तो इसलिए यहाँ पर helping verb इस आएगा, she as well as her sons is brave. Second sentence है, I along with my brothers am going to Lahore. So, along with my brothers के अगर हम देखते हैं जो second subject है, तो उसके साथ से यहाँ पे आर यूज होना है, लेकिन इसको हमने मिलाया है along with से, जैसे I am going to Lahore, मैं लाहौर जा रहा हूँ along with my brothers अपने भाइयों के साथ, तो यहाँ पर जो along with भी अगर वर्ड यूज होता है तो वहाँ पे भी helping verb हमने first subject के मुताबिक यूज करना है और वो singular इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर भी। आगे नेक्स्ट हमारा जो है इसमें वर्ड है मेजोरिटी, अक्सरियत को कहते हैं, माइनॉरिटी अक्लियत को, मेजोरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, तो इनमें डिफरेंस क्या है कि जब भी मेजोरिटी अक्सरियत या माइनॉरिटी अक्लियत के लिए वर्ड यूज होता है तो इसमें हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमारे पास आता है जी मेजॉरिटी ऑफ या माइनॉरिटी ऑफ, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब वो प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें एक पार्ट ऑफ पीपल इस्तेमाल होता है, ना कि एज अ कंप्लीट होल इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज पुअर,
तो पाकिस्तान में जो अक्सरियत है वो गरीब है, तो मेजोरिटी इन पाकिस्तान इज पुअर हो गया। मेजोरिटी ऑफ पीपल, लोगों की अक्सरियत इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में आर करप्ट, तो वो क्या कहते हैं कि बदनवान है। तो यहाँ पर जब भी मेजोरिटी ऑफ आएगा या माइनॉरिटी ऑफ आएगा तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। जी बेटा, जब भी माइनॉरिटी ऑफ आएगा तो वहां पे माइनॉरिटी ऑफ पीपल, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब हम प्लूरल यूज करेंगे। तो माइनॉरिटी ऑफ पीपल इन आवर कंट्री आर करप्ट, हमारे जो मुल्क में जो अक्लियत है लोगों की वो करप्ट है यानी कि बदनवान है। तो ये जो सेंटेंसेस है ये बार बार आपके एग्जाम में आते हैं और ये मार्क्स हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। इन रूल्स को उम्मीद है कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।